अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ, टुडे इज़ 27th April 2021 ट्यूसडे। वी हैव कम्प्लीटेड आवर यूनिट नंबर 4 और उसकी बुक एक्सरसाइज और वर्कशीट आज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। और जो बुक एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 36 और 37 पे। बुक एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। एक ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में जो इंक्रीज होता है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रोज टिल इट रीचेस एडल्ट साइज। एक एनिमल की जो बॉडी है वो कब तक ग्रो करती है, जब तक वो एडल्ट एज तक पहुंच जाता है। थर्ड है द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्ड इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका माइटोसिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है सेल डिवीजन उसको हम माइटोसिस बोलते हैं। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली कैसे करता है, बाइनरी फिशन के मेथड से, और हाइड्रा जो है वो बडिंग के मेथड से। ये आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स इसके आंसर आप लोगों ने अपनी बुक एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं एज इट इज़। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉलम मैचिंग का। कॉलम ए को आपने बी की स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, आप लोगों ने एज इट इज़ मैच करना है बुक एक्सरसाइज पे। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। सी एनिमल रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड। अब पोटैटो ट्यूबर क्या है, स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम है। कटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम है। ग्राफ्टिंग नीड्स अ स्टॉक एंड अ सीएन। ग्राफ्टिंग में हमें स्टॉक एंड सीएन की ज़रूरत है, दो पार्ट्स होते हैं। ओव्यूल्स जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। पाइन ट्रीज के पास कॉर्न्स होती हैं जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं। और डोरमेंसी किसको बोलते हैं, द रेस्टिंग पीरियड ऑफ अ सीड। आप लोग इस मैचिंग को ध्यान से देख लें, आप लोगों ने अपनी बुक एक्सरसाइज में एज इट इज़ सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास एक टेबल दिया गया है जिसमें आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो विंड पोलिनेटेड है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पेटल्स जो इंसेक्ट पोलिनेटेड की हैं वो कलरफुल होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था विंड पोलिनेटेड की कलरलेस होती है, जैसे कि वीट है, मेस है, बाकी सेंट जो है इंसेक्ट पोलिनेटेड सेंटेड होते हैं और विंड पोलिनेटेड नॉन सेंटेड होते हैं। उसके बाद नेक्टर जो है वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के इनसाइड द फ्लावर होते हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड में नेक्टर प्रेजेंट ही नहीं होते, विदाउट नेक्टर्स होता है। पोलन ग्रेन्स लार्ज और हैवी होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड में, और विंड पोलिनेटेड में जो है वो स्मॉल एंड लाइट होते हैं, इसी वजह से वो विंड के थ्रू ही जो है मूव कर जाते हैं। एंथर्स जो है वो इनसाइड द पेटल्स होते हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड में, वाइल विंड पोलिनेटेड में आउटसाइड द पेटल्स होते हैं। स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है इंसेक्ट पोलिनेटेड में, लेकिन जो विंड पोलिनेटेड है उसका स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होता है, लेकिन आउटसाइड दी जो है वो फ्लावर होता है, इसी वजह से उनकी पोलिनेशन जो है जैसे कि पहले बताया विंड के थ्रू ही हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है आप लोगों को, आपने उसके अंदर जो ब्लैंक्स दी गई हैं बुक में उसको सॉल्व करना है जैसे कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब, या आपने क्वेश्चन भी किया था कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रोज होती है पोलन ग्रेन में से, पोलन आएगा सेकंड में, इट एंटर्स द ओव्यूल, ओव्यूल में ये एंटर होती है, एंड मेल गैमेट इज रिलीज्ड, और इसमें से एक मेल सेल रिलीज होता है जो कि ज्वाइन करता है फीमेल गैमेट के साथ। स्पेलिंग ध्यान से चेक कर लें एज इट इज़ आप लोगों ने लिखने हैं। एंड द ओव्यूल बिकम्स अ सीड, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। The wall of the ovary grows to form the fruit, और जो ovary की wall होती है वो fruit बना देती है। Next आपके पास अब worksheet आ गई है। Worksheet में जो आपको choose the best answer दिए हैं जिनको मैंने bold में किया हुआ है, ये इनके answers हैं blanks के। The process in which new organism are produced is called reproduction। आप लोगों ने इसे पढ़ा था और आप लोगों ने क्लास में आंसर भी किया था, उस जिस प्रोसेस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन्स। डैश डैश इज़ अ सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट, जो हमारे पास सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट है उसका नेम क्या है, स्पोर, यीस्ट या बर्ड, तो इसका आंसर है यीस्ट, आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा था। उसके बाद है अ डैश इज ए पार्ट ऑफ शूट विच कैन ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट, वो कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि कंप्लीट नेक्स्ट ग्रो कर सकता है पूरे प्लांट में, वो है उसकी उसका पार्ट है कटिंग।
लास्ट है पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये आप लोगों ने क्लास में भी आंसर दिया था, एंथर्स में। उसके बाद हमारे पास ट्रू फॉल्स है, हुक्स बिकम अटैच टू द फर ऑफ एनिमल, इट इज़ ट्रू कि जो हुक्स होती हैं सीड्स की वो एनिमल की फर के साथ अटैच होकर मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है राइपन ओवरी जो है वो फ्रूट कहलाती है, व्हेन मेल एंड फीमेल सेल्स ज्वाइन टुगेदर इज कार्ड प्रोडक्शन, नो इट इज़ फॉल्स, वो फर्टिलाइजेशन होती है। इन बर्ड्स फर्टिलाइजेशन कम्प्लीट इनसाइड द बॉडी, येस इट्स ट्रू, इनसाइड द बॉडी ही कम्प्लीट होती है फर्टिलाइजेशन, द रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड इज कार्ड डोरमेंसी, जो रेस्टिंग पीरियड होता है जब तक वो ग्रो नहीं कर जाता, जब उसे सो करते हैं उसके बाद ग्रो करने के दरमियान का टाइम जो है उसे हमने डोरमेंसी बोला था। उसके बाद हमारा जो है ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आप लोगों को घर के लिए जो लर्निंग के लिए काम दे देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जिसमें बुक एक्सरसाइज वर्कशीट इंक्लूड है, आप लोगों ने इसे याद करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आप लोगों को मैंने क्लास में भी दिए हुए थे याद करने के लिए, और आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसे याद करना है जैसे आप लोग टेस्ट के लिए कोई प्रेपरेशन करते हो, और अच्छे तरीके से इसको इस यूनिट को प्रिपेयर करना है।